इस समय बिल्कुल नई बस्ती की ये विजुअल्स हैं और एक शख्स की वजह से इतना बड़ा जनाब हंगामा हुआ है। क्या कुछ बुरी बात है? और एक शख्स जो है वो पत्थर मार रहे हैं और फिलहाल देखिए पुलिस जो है वो मौके पर है और अंदर से जो है वो शख्स जो है वो पत्थर मार रहा है। तो देखिए यहाँ पे शख्स जो है वो पत्थर मार रहा है और ये यहाँ पे देखिए पत्थर मार रहा है। अभिषेक पीछे हो जाओ कहीं जाके, और ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए पत्थर मार रहा है और वो शख्स ड्रिंक करके और कहीं ना कहीं नशा करता है ऐसा लोगों का कहना है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मौके पर पुलिस भी है। वो पागल है, वो आप ही देखिए, ये आप ही देखिए, तू आप ही देखिए, हाँ बारह बारह ठीक है। नशा करता है क्या? नशा है, नशा इसमें टाइम अपनी माँ को मारता है, सबको मारता है, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रहा है। वो आप ही देखिए, ये वो शख्स है जो नशा करके देखिए आसपास मोहल्ले वाले कितने परेशान है इस शख्स से। और ये देखिए ये पत्थर मार रहा है वहाँ से और पुलिस जो है वो लगातार इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखिए एक शख्स की बदौलत यहाँ पे कितना सारा हंगामा हुआ। ये शख्स नशे की हालत में है और अपने परिवार को भी ये बाहर निकाल चुका है, अंदर से ये पत्थर मार रहा है और लोग आप ये देखिए नई बस्ती के काफी परेशान है। और देखिए पुलिस को भी काफी मुश्किल आ रही है, अब ये कुछ भी आगे से पत्थर मार रहा है नशे की हालत में और कुछ भी हो रहा है। भैया यहाँ पे सरेआम नशा बिकता है क्या? भैया नशा नहीं बिकता है, नशा बाहर से आता है। ये लड़का उस चपेट में आ गया है, नशा बाहर बाहर बिकता है और बाहर से यहाँ पे लोग ये बाहर से लेके आके यहाँ पे नशा करके अपनी माँ को मार देते हैं। आपके माध्यम से प्रशासन से यही अपील है ऐसे लोगों को बाहर मत लाइए, बिल्कुल बिल्कुल ये खतरनाक है, लोगों के लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल ये पहली बार हुआ कि ऐसे क्या हुआ यहाँ पे? ये सेंट्रल जेल में जाएगा, देखिए आप इस समय बड़ा हंगामा चलता हुआ नई बस्ती में। भैया भैया ऊपर से इसकी शिकल आएगी सीढ़ियों पर। वो आप ये देखिए वो शख्स है अंदर और नशे की हालत में, पुलिस मौके पर है। मल्ले वाले बढ़ जाओ सीधा, ये काफी टाइम से है और ये पहले जेल में था,
ये जेल से अभी आया है, माँ बूढ़ी है, चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, मोहल्लों को खिलाता है। ये चादर जो अभी पड़ी है, ये एक मोहल्ले वालों ने इनकी हेल्प की और उनको डाल के दी, इनका घर टूट रहा है, उसने घर का सारा सामान बेच दिया हुआ। ये हालात ऐसे है, ये मोहल्ले वालों को टोके देके मारने पड़ता है। अच्छा, वो एक लड़के के पीछे लगा हुआ था कि दो दिन पहले एक का सिर मार दिया उसने। हालात आपके सामने, आप देखो क्या क्यों है, ये देखिए एक शख्स की बदौलत इतना बड़ा मोहल्ला देखिए हंगामा चलता हुआ। भैया ध्यान से बनाना, उधर से पत्थर बड़ा मार रहा हो। सॉरी सॉरी, अच्छा आप ध्यान से रहना, वो पत्थर मार रहा है। इधर से आओ ऊपर, अंदरेश भैया ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, सीढ़ी पे चढ़ो। डरे हुए हैं पत्थर मार इटा मारदा चलिए कुड़िया तो लगन उनका मगर लगता गाला दिता बच्चे चलिए मगर लगता गलिया गाला करता जो नशेड़ी अंदर बढ़ी जाता सब नशेड़े चेचड़े अंदर बढ़ गए सारे नशेड़ी सारे नशेड़े गले ने बाहर नहीं किन्ने दे लड़के माजे पुलिस नहीं करती है, पुलिस नहीं करती चले अगले दिन चली गई ते प्रीता भी नहीं रहे पूरा तो जाओ तो चले गई रहे शाम में शेतन बाजी बड़े और प्रीता और नशे में अंदर बड़े हैं ना बता प्रीता कितने किन्ने मुड़े अंदर हो जे किन्ने मुड़े से बैठे हैं चार पांच बैठे बोल रहे तेरे पापा को कॉल करता है मेरा बाप बड़े लोग हैं जान वाले हैं तो मैं भाई खाली कर देंगे नशा ये देखिए बिल्कुल नई बस्ती की विजुअल्स है और ये वो शख्स है जो कि अपनी माँ को देखिए अब जनाब किस तरह से अंदर से पत्थर मार रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ शख्स, और अपनी माँ को भी इसने घर से निकाला है और काफ़ी मारपीट की अपनी माँ के साथ और नशे की हालत में यहाँ के लोग नई बस्ती के लोग काफ़ी परेशान हैं। ये आप विजुअल्स देखिए तमाम सारे लोग नई बस्ती में और अंदर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि नई बस्ती में आतंक से बचाएं। बस्ती के वो रहा शख्स दरवाजे के पीछे है, वो अभी दरवाजे के पीछे है। नरेश भैया ज्यादा आगे नहीं जाइयो। माता जी कब से ये परेशान कर रहा है आपका बेटा? तो आपने जरूरी नहीं समझा मैं पुलिस की मदद लूं?
अभी आप ठीक हो ना? मारा तो नहीं उसने आपको? तो ये नशा किधर से लेके आता है? हाँ जी, ओहो हो, कितनी उम्र है इसकी? शादी हुई है इसकी? कवारा है। तो घर पे और कौन कौन होता है? आप और आपका बेटा बस? तो ये गुजारा क्या कैसे चल रहा है जब ये नशे करता तो? सही बात है, ये तो मार देगा। कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखें, कुछ नहीं, पुलिस है आप आपके साथ, आप मत, ये आपको कुछ नहीं करेगा। अब आगे आप मोहल्ले वाले आपके कितने अच्छे, देखो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ ये देखो सारे मोहल्ले वाले आपके साथ खड़े हैं। आपको टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा। ये पहली बारी कर रहा है कि पहले भी कर रहा है? पहले कभी नहीं किया। तो आज क्या ऐसा हो गया? तो आज क्या हो गया इसको ऐसा कि मतलब? नहीं ठीक हुआ है, नहीं ठीक हुआ। तो और भी दोस्त आते हैं यहाँ पे नशे के लिए? अच्छा आते हैं, अच्छा आते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा। मले वाले हैं आपके साथ, आपकी टेंशन। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अंदर से लगातार पत्थर चलता हुआ, और ये देखिए पुलिस, और देखिए पुलिस अब लोगों को साइड करने की कोशिश कर रही है। और वो शख्स देखिए अंदर, और ये आप ही देखिए, ये आप ही देखिए, ये शख्स देखिए मारने की कोशिश की थी इसने, क्योंकि मैं इसकी वीडियो जो है वो शायद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, बारह ये देखिए जनाब, बाल बचे हैं। और देखिए यहाँ पे मोहल्ले वाले उसको पकड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो शख्स बाहर नहीं आ रहा। बड़ी रिस्क पे जनाब आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सामने है, और वो शख्स जो भी हाथ में आ रहा है हमारी शक्ल देख के कुछ भी चीज़ें, अभी आपने देखा किस तरह से फट्टा मारा जनाब, आप पता नहीं क्या क्या मारता। देखिए नशा कर देगा नाश, और ये सब सेंसेस नहीं है इस लड़के के, सेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि नशा जो है इसने इतना किया कि कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये देखिए आसपास मोहल्ले वाले सारे नई बस्ती के लोग एक शख्स की वजह से इतना परेशान है। यहाँ पे देखिए तमाम ये लोग, सीधे पुल से जाए जफ्फा डाले, नहीं नहीं है ना दीवारा भी, अच्छा बीच में दीवार, बीच में दीवार। तो ये घर कैसे टूटा था? इसने खुद थोड़ा सामने चला दी नशा को, यहाँ पे देखिए पुलिस भी डरती हुई, क्योंकि उस शख्स के हाथ में जो भी कुछ आ रहा है वो सीधे सामने मार रहा है, तो काफ़ी रिस्की भरा रहता है जब इस तरह का शख्स बार ये देखो उसको बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। जनाब आ बाहर आ बाहर
कुछ नहीं करेंगे, आजा अब कुछ नहीं करेंगे, आजा आजा। देखिए नशे की हालत में जनाब सेंसेस नहीं काम कर रहे इसके, लेकिन यहाँ पे देखिए पुलिस अभी आएगा, अभी आएगा, देखो थोड़ा कर लो कि।